हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ब्रजेन। आइए शुरू करते हैं इंग्लिश का एक नया मॉक टेस्ट। और इस पे मैं बताने जा रहा हूँ आपको 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। मोनी इज डैडस मोस्ट एक्टिव गर्ल, डैडस फैमिली। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल का सही यूज़ क्या होता है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द का यूज़ होता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि मोनी इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल होगा। अब इसके बाद फैमिली है। फैमिली ये एक डेफिनेट नाउन है। यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेट है, तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, मोनी इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली। ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों प्लेस पे आपको द भरना है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड। एक ऐसा इंसान जो पूरे संसार, जो पूरे दुनिया को अपना देश या पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, उसे क्या कहते हैं, पैट्रियॉट, नेशनलिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन। तो इसका सही आंसर है कॉस्मोपॉलिटन। ये विश्व प्रेमी भी इसको हिंदी में कहते हैं। क्वेरीड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है एक्सट्रैक्ट। ये आपका वर्ड मीनिंग का है, आप कह सकते हैं कि सिनोनिम है एक तरह से। चेंज द फॉलोइंग इन टू पैसिव वॉइस, शी डिड नॉट टेल हिम। ये बहुत ईजी सा है, शी डिड नॉट टेल हिम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जो बहुत ईजी है। आप देख पाएंगे, ही वॉज नॉट टोल्ड, शी वॉज नॉट टोल्ड बाई हिम, ही वॉज नॉट टोल्ड बाई हिम, ही वॉज नॉट टोल्ड बाई हर। ये सही होगा, ये आपका एग्जैक्ट पैसिव वॉइस है। द लेसन टॉर्च बियरर्स इज रिटन बाय, लेसन जो टॉर्च बियरर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ए जी गार्डनर, डब्ल्यू एम रिबर्न, या एस जी वेल्स, या रोधा पार। तो ये आपका डब्ल्यू एम रिबर्न का है। द वाइंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। तो ये काफ़ी ईजी है। ये पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पूछा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि विंड को यहाँ पे सोने की बात कही जा रही है, यानी कि ये पर्सनिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आंसर होगा पर्सनिफिकेशन, जो कि बहुत ही आसान है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। नंबर 7 पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग फ्रेज। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब क्या है, मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में भी कि जो फ्रेज होता है उसमें लिखा कुछ और होता है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो स्मेल अ रैट, हालांकि यहाँ पे काफ़ी हद तक ये रिलेटेड मीनिंग है कि स्मेल अ रैट, न चूहे को जो है एक तरह से स्मेल आना है। तो इसका मतलब क्या है, इनकरेज नहीं होगा, स्मेल समथिंग बर्निंग, कुछ जलता हुआ महसूस करना नहीं, टू हैव रीजंस टू सस्पेक्ट। ये सही है कि जो है किसी कारण से किसी पे शक करना होता है, टू स्मेल अ रैट हो जाएगा। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट टेंस बताना है कि शी हैज़ बिन इंसल्टेड ट्वाइस, शी हैज़ बिन इंसल्टेड ट्वाइस, कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये पैसिव वॉइस है, आपको ये ध्यान देना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अब यहाँ पे क्या मतलब है, टू बी वेरी हैंडसम बॉय, टू बी फेड विद अ सिल्वर स्पून, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, टू बी द ओनली चाइल्ड। तो है टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना, इसका मतलब है टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इन टू नाउन, डिसीव जिसका मतलब है धोखा देना, डिसीव वर्ब को आपको नाउन में कन्वर्ट करना है। डिसीव्ड है, नहीं है, डिसीट, ये सही आंसर है। डिसीट, डिसीट माने धोखा, और डिसीव माने धोखा देना, ये एक नाउन है, और वर्ब थी डिसीव। तो इस तरह से भी वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन भी आएंगे कि किसी नाउन को आपको एडवर्ब बनाना है, या किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना है, तो इसको भी आपको तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पे, ही इज फंड ऑफ, ब्लैंक यहाँ पे है हॉरर मूवीज। तो फॉन्ड ऑफ ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक इडियमेटिक प्रीपोजिशन है, इडियम सॉरी ये जीरंड, जीरंड का प्रयोग यहाँ पे होना है। तो फॉन्ड ऑफ के बाद जीरंड, यानी कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो फॉन्ड ऑफ सीइंग नहीं होता है, मूवी देखने के लिए वॉच होता है, तो हो जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग हॉरर मूवीज। तो फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिसे हम जीरंड कहते हैं। फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो ये होता है फॉन्ड ऑफ। द पोएम द नेशनल
बिल्डर्स इज कंपोज्ड बाई, जो पोएम है नेशनल बिल्डर्स किसकी है, एस जी लॉन्ग फेलो की है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की है कि रॉल्फ वाल्डो इमर्सन की, बेन जॉनसन की, यह बेन जॉनसन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेन जॉनसन। चूज द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट नरेशन पकड़ना है। शी सेड टू मी विल यू नॉट गो होम, तो शी टोल्ड मी गलत है, शी आस्क्ड मी दैट इफ आई, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आस्क्ड बाद दैट नहीं लगता है, शी आस्क्ड मी इफ यू वुड, अब यहाँ पे इफ लगाया लेकिन यहाँ पे यू को यू रहने, यू का गलत यहाँ पे चूंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है ये भी गलत है। शी आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट गो होम, ये आपका सही है क्योंकि इसमें सारे रूल को सही तरीके से फॉलो किया गया है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, अब चार सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है। शी वॉज बिजी टू वॉच अ मूवी, शी वॉज बिजी टू वॉच अ मूवी, आपको पता होना चाहिए बिजी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, शी वॉज बिजी वॉचिंग मूवी होता है, तो याद रखिए बिजी वर्ड के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, ये भी आपको याद रखना है। वी हैज, अब वी के साथ हैज नहीं आता है, गलत है। यू आर टॉलर देन मी, अब यू यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसलिए ये भी गलत है। शी एंड आई आर गोइंग टू हेल्प देम, ये सही है क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक है बहुवचन में, बहुवचन होने की वजह से यहाँ पे आर रहेगा एम नहीं रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है, जो आपको लग रहा होगा गलत है बट ये गलत है नहीं, शी एंड आई ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आर सही है, गोइंग टू हेल्प देम ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है, तो ऑप्शन है डी जो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव पजेसिव केस, कौन सा पजेसिव केस में है, हिम ये ऑब्जेक्टिव केस में, देम ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, हर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में, आर्स ये आपका है पजेसिव केस में। पजेसिव केस ये आपका प्रोनाउन का एक केस है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव तीन केस होते हैं, तो जो संबंध को बताते हैं जैसे माय हो गया, आर हो गया, योर हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन जो माइन है, आर्स है, योर्स है, हर्स है, देयर्स है, ये होते हैं पजेसिव आपका प्रोनाउन, तो पजेसिव केस में है ये आपका सही आंसर आर्स। चूज करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड, मॉन्क आपको ये स्त्रीलिंग बताना है, काउंटेस नहीं, ईव ये भी गलत है, नन, मॉन्क का नन होता है, ये इसका फेमिनिन जेंडर नन है जो काफी इजी भी है। शी प्रिफर्स मिल्क के बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, देन या मोर या टू या ऑफ, तो प्रिफर के बाद हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, शी प्रिफर्स मिल्क टी, मिल्क टू टी, तो इसका सही आंसर है टू है, तो प्रिफर वर्ड का यूज़ या प्रिफर से रिलेटेड सेंटेंस हर एग्जाम में आते हैं, तो प्रिफर्स के बाद हमेशा याद रखिएगा इसके बाद टू आता है, देन ऑफ या और कोई अन्य प्रिपोजिशन नहीं आता है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये काफ़ी मोटिवेशनल स्टेटमेंट भी है, इन्होंने कहा कि वे भी एक तरह से दुनिया की सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, ये भी एक तरह की सेवा है। तो ये किसने लिखा, हु रोट दीज लाइंस, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, शेली, किड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस लाइन है ये आपका, ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिया गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन का है, तो जॉन मिल्टन यहाँ पे सही आंसर है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने, आई थिंक ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ही ये पंक्तियाँ ली गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको बताना है कि इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वर्क हैज वर्क हार्ड सो दैट, इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, वर्क हार्ड सो दैट यू डेट एस माइट पास, कुड पास, मे पास, वुड पास, तो ये हो जाएगा मे पास, सो दैट के पास हमेशा मे आता है, सो दैट के पहले का अगर पार्ट आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो तो उसके बाद हमेशा मे का प्रयोग होता है, और अगर सो दैट के से पहले का पार्ट अगर पास्ट में हो तो उसमें हम माइट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे चूंकि ये प्रेजेंट में है तो सो दैट के बाद मे आएगा, ये कन्फर्म है कि सो दैट के बाद मे आता है, जैसे कि मैंने बताया था लेस्ट के बाद शुड आता है, तो यहाँ पे सो दैट के बाद मे आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है यहाँ पे। रोली हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर बिलव्ड सिंस 8 o'clock, तो रोली हैज़ बीन यहाँ पे चूंकि ये टेंस में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को चेक करना है, तो हैज़ बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है, फॉर हर बिलव्ड सिंस 8 o'clock, तो यहाँ पे गलती क्या है, अगर आपको पता हो तो ये यहाँ पे जेंडर का मिस्टेक है, यहाँ पे रोली चूंकि ये ऑलरेडी फीमेल है तो यहाँ पे इसके लिए बिलव्ड वर्ड का नहीं है बल्कि यहाँ पे लवर वर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लवर वर्ड जो होता है ये मेल होता है, बिलव्ड होता है फीमेल, तो यहाँ पे चूंकि फीमेल है तो फीमेल के लिए नॉर्मली पुनः फीमेल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आपका होना चाहिए लवर, तो ये भी एक जेंडर संबंधी मिस्टेक है, आपको ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जेंडर का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा फीमेल जेंडर है, कौन सा जो फेमिनिन है, कौन सा मास्कुलिन जेंडर है, तो ये इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे।
21 क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, वेरी फेमस लाइंस, आप जानते हैं कि द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये फैक्ट भी है। तो ऑक्सीमोरॉन है कि हाइपरबोला कि सिमली या मेटाफर, तो ये बहुत इजी है और मैंने इसको आपको अगर फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो मिला तो उसमें देखिएगा तो ये आपको पता होगा कि ये क्या है, मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पे कैमल को डेजर्ट का जो है शिप बोला जा रहा है, जो कि बहुत ईजी है, तो ये आपको याद रखना है मेटाफर है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्लीक, ब्लीक का एंटोनिम बताना है आपको, ग्लूमी, ब्राइट, शार्प, कलरफुल, तो होगा ब्राइट, ब्लीक का मतलब धुंधला होता है, ब्राइट का मतलब चमकीला, ग्लूमी का मतलब ऑलरेडी धुंधला होता है, तो ये हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गिगेंटिक, गिगेंटिक का होता है बहुत भारी, बहुत विशाल, ह्यूज हो जाएगा, ह्यूज इसका आपका हो जाएगा सिनोनिम। वन हु इज ऑल पावरफुल इज नोन, वो जो सबसे शक्तिशाली हो उससे क्या कहते हैं, ओमनीसाइंट गलत है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, रेस्लर, यह है ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट कहते हैं सर्वशक्तिमान को, ओमनीसाइन कहते हैं सर्वज्ञ को, जिसको सब कुछ आता हो, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं जो हर जगह मौजूद हो। तो इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इज कॉल्ड अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी कि एक सभी बीमारियों का एक इलाज क्या कहलाता है, एंटीडोट, सर्जरी, पैनासिया, नन ऑफ दीज, तो ये है पैनासिया। पैनासिया काफी इंपॉर्टेंट, इसको हिंदी में रामबाण कहते हैं, रामबाण कहते हैं नहीं, रामबाण दवाई है, यानी हर रोग पे हर मर्ज की दवाई है, तो पैनासिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 26 इज हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइडिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है, ये एक बहुत ही अच्छा एक तरह से मोटिवेशनल स्टेटमेंट भी है जिसको आप उतार सकते हैं अपनी लाइफ में। तो किसने कहा कि भाई, ये है फ्रांसिस बेकन का, याद रखिएगा, फ्रांसिस बेकन ने कहा कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड डेट, जो आपके सामने लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, आपको सही ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। ही इज टू वीक टू रन फास्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में इस तरह से आता है। टू का जो है आपको यहाँ पे उम्मीद करना, टू को हटाना है, तो टू को हटा के यहाँ पे सो दैट आता है, तो ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट रन फास्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कहाँ पे है आंसर, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट रन फास्ट, ये आपका सही आंसर है, इसमें ये रूल अप्लाई होता है। आई हैव मेट द मैन दैट डेज शी स्लैब्ड पब्लिकली, ये भी मैंने बताया था कि भाई जब यहाँ पर ऑलरेडी एक सब्जेक्ट हो शी, तो वहाँ पे हमेशा हुम आता है, हु नहीं आएगा, तो आई मेट अ मैन हुम शी स्लैब्ड पब्लिकली, तो यहाँ पे आएगा हुम। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, ये आपको बताना है कि जो जहाजों का एक समूह, उसको क्या कहते हैं, क्लस्टर, हर्ड, बंच, फ्लीट, उसको कहते हैं फ्लीट, फ्लीट कहते हैं उसको। और अगला है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको इनकरेक्ट बताना है। हर ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन माइन, ये सही है बिल्कुल, हर ब्रदर की तुलना यहाँ पे माइन, यानी मेरे भाई, सॉरी, तो यहाँ का कंपैरिजन सेम क्लास में होता है, तो यहाँ पे हर ब्रदर पजेसिव केस में, तो ये भी पजेसिव केस में है। ईदर ऑफ द बॉयज इज टेलिंग अ लाई, ईदर ऑफ द बॉयज, ईदर के बाद यहाँ पे आपका नाउन प्लूरल में होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में भी सही है। एनी वन इज वेटिंग फॉर यू, एनी वन इज वेटिंग फॉर यू, ये गलत है, और सम पीपल ऑलवेज टेल अ लाई, ये सही है। ये गलत क्यों है आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे एनी वन वर्ड जो होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नहीं होता, ये सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस, एनी वन इज नॉट हेल्पिंग मी, तो फिर अफर्मेटिव में क्या आता है, अफर्मेटिव में समवन आता है, आपको कहना चाहिए समवन इज वेटिंग फॉर यू, तब ये सही होगा। तो समवन का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, एनी वन का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ये आपको ध्यान देना है, इसी के बेस पे इसमें ये आपका गलत है। दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश मॉक टेस्ट, एंड इफ यू लाइक इट एंड इफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड सो यू प्लीज कमेंट एंड टेल मी हाउ डू यू लाइक इट, एंड सेम वे आई विल गिव यू सम मोर इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट एंड इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।